ये मतदान आपको देश में एक नई सरकार का निर्माण करने के लिए करना है। ये मतदान इस देश के अगले 5 साल की दिशा और दशा तय करने का मतदान है। ये लोकसभा में आपकी नुमाइंदगी कौन करेगा, इस बात का निर्णय आप लोगों को करना है। और उससे पूर्व में जो भाषण दिए, मुझसे बेहतर आप जानते हो कि आपने जिन सांसद को चुनके रखा है उनकी तुलना अगर हम दिग्विजय सिंह जी से करें। और मैं इसलिए दिग्विजय सिंह जी को बोल रहा था कि आप मेरे से उम्र में बड़े हो, सब चीज में बड़े हो, स्वर्गीय पारे साहब के साथ आपने काम किया है। ये मुझे शोभा नहीं देता कि मैं आपके पास भाषण दूं, लेकिन ये बहुत आप जानते हो जिद्दी है, पकड़ने की बात को छोड़ते नहीं। और मैं बचपन से इनको देख रहा हूं, जिस बात को ठान लिया उसको भी पूरा करके दिखाता हूं। वो नर्मदा मैया की पदयात्रा करनी हो, भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलना हो, संघर्ष करना हो, पार्टी के लिए कैंपेन करना हो, हर क्षेत्र में देश के किसी कोने में, जब जब कांग्रेस पार्टी ने इनको कुछ भी दिशा निर्देश दिए हैं, एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर इन्होंने सब जगह जाकर काम किया। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन अपने लोगों को, प्रदेश की जनता को और इस जिले से, जिस जिले का नाम आज दिव्य सिंह जी की वजह से हो रहा है, मैं आप सबको बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। इतने लंबे अरसे के बाद दोबारा पार्टी ने यहाँ पे इनको आपके बीच में उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, ये चुनाव निर्णायक चुनाव है। इस चुनाव में आपको देश में कौन सेवा देगा 5 साल, इस बात का निर्णय करना है। और आपने देखा 10 साल से जो सरकार दिल्ली में है, उस सरकार ने जिन बातों को बोलकर सत्ता हासिल करी थी, महंगाई की, किसानी की, बेरोजगारी की, काले धन की, भ्रष्टाचार की, उन सब बातों को बोलकर अब एक ऐसा माहौल बना दिया जहां निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रहे हैं। दो दो निर्वाचित मुख्यमंत्री, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन देश में ऐसा माहौल बना दिया कि प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते आपने सीज कर दिए, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। चंडीगढ़ में महापौर का चुनाव हो रहा था, आप सबने देखा होगा, निर्वाचन अधिकारी खुद बैठ के वोटर को खराब कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को लगातार चुनौती मिल रही है, देश में भय का माहौल बना रखा है, प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। सरकार की पूरी ताकत लगी हुई है विपक्ष के नेताओं की आवाज को खत्म करने के लिए। 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित कर दिया और फिर कानून पारित किए जा रहे हैं। आपने कहा किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, आपने कहा कालाधन विदेश से लेकर आएंगे, आपने कहा घुसपैठियों को बाहर भगा देंगे। मैं चुनौती देता हूं केंद्र सरकार को, इन 10 सालों में आपने किस मोर्चे पर काम किया? आपने भाषण दिए, टेलीविजन में विज्ञापन दिए, अखबार में फोटो छपाई, लचीले लचीले बातें बोलकर लोगों का मन जीतने की कोशिश करी, लेकिन धरातल पर आप हर मोर्चे पर नाकामयाब रहे हो। और मुझे खुशी है, कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें हमने वादा किया है, इस देश में जो सबसे गरीब परिवार है, प्रत्येक परिवार की जो प्रमुख महिला होगी उसके खाते में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए हम लोग देंगे इस महंगाई में मुकाबला करने के लिए। ये छोटी बात नहीं है, प्रति माह 8,333 रुपए उस महिला के खाते में जाएगा जो देश में सबसे गरीब परिवार है। हमने वादा किया है किसान को न्याय दिलाने के लिए। ये झूठ बोलते थे, किसान की बात करते थे, किसान का दर्द समझने वाला को दिल्ली में बैठा ही नहीं है। ये जो शासन कर रहे हैं इनको कोई लेना देना नहीं है, ना किसान से, ना खाद से, ना बीज से, ना बिजली से, ना पानी से। इनको सिर्फ बात करनी है हिंदू की, मुसलमान की, मंदिर की, मस्जिद की, और नए नए भाषण। अब कह रहे कांग्रेस का राज आ गया तो बहनों के मंगल सूत्र छीनकर औरतों को दे देंगे, कांग्रेस का राज आ गया तो घर में अगर दो भैंस है तो भैंस छीन लेंगे आपकी। मुझे समझ में नहीं आता, कांग्रेस को 55 साल जनता ने सेवा का मौका दिया, इन 55 सालों में कांग्रेस ने क्या क्या नहीं दिया? राजीव गांधी जी ने अधिकार दिया, संविधान में संशोधन किया, पंचायत से लेकर प्रमुख और सांसद तक हर जगह यहां से हमारा SC ST OBC वर्ग के लोग काम कर रहे हैं, चुनकर चुनाव जाते हैं।
महिलाओं को आरक्षण दिया 50% का, खेती करने वाले को जमीन का अधिकार इंदिरा गांधी जी ने दिया, सोनिया जी की वजह से आज देश में नरेगा का कानून है, और हमने तो दिया है जनता को दिया है, मनमोहन सिंह जी ने 76,000 करोड़ रुपए का किसान का कर्जा माफी की, हम लोग देते हैं, नीति निर्माण करते ताकि लोगों की मदद हो। आप क्या करते हो? आप देश के हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, बिजली घर, खान, वो सब औने पौने दाम में चंद लोगों को दे दिए। 16,00,000 करोड़ रुपया चंद उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। हाई बढ़ गई है दोस्तों, अमीर गरीब की सुधरने वाला कोई नहीं है। पेट्रोल डीजल देसी की से महंगा हो गया, गैस का सिलेंडर 1100 का बिकता था, अब जाके कंपनी में जो बोझ पड़ा है, अब वोट ऐसी चीज है कि लोग बात करते हैं, आप पार्टी में नहीं आएगा, लेकिन लोगों से बंद कर बात करो कैसा जाना तय। भाजपा का राज खत्म होने वाला है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन एक दोबारा मौका सबसे महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन एक दोबारा मौका हमको मिला और मेरी आपसे नाराजगी भी है। मैं तो विधानसभा क्षेत्र में प्रियव्रत जी के लिए वोट मांगने आया था, आपने वहां पर भजड़ा लगा के यहाँ पर 13,000 वोट से रह गए, लेकिन आप लोगों को मैं सचेत करने आया हूं, दिग्विजय सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं, कृपया करके इस हवन में अपनी आहुति डालो और 26,000 कम से कम जीत होनी चाहिए दिग्विजय सिंह जी की, ये निवेदन आपसे करने के लिए आया।